सूरह, जिसको चांद सुल्ताना भी कहा करते थे। पहले उर्दू की किताबों में चांद सुल्ताना के नाम के साथ में जो है सबक आया करता था। पहले बच्चों ने जो पढ़ा है उर्दू की चौथी किताब के अंदर इसका तस्करा आता था, और उसमें ये भी तस्करा है कि चांद बीबी ने रातों रात जो है एक पूरी दीवार को खड़ी की थी। वो दीवार जो है जैसे आज के हिसाब से 5 और 6 बुर्जों के दरमियान में, मैं अभी बुर्ज बता देता हूँ किसको बुर्ज हम लोग यहाँ पे कहते हैं और यहाँ के लोग कहते हैं वो बताता हूँ। तो 5 और 6 बुर्ज के दरमियान में वो दीवार है, और काफ़ी चौड़ी लंबी और जो है काफ़ी चौड़ी है वो दीवार, यानी इतनी चौड़ी है कि कम से कम 2 कार आसानी चल सकती है उस पर से। खैर, तो ये किला चांद बीबी के नाम से मशहूर है। उसके साथ साथ चांद बीबी जिसने इस अहमद नगर को बसाया, उसके वालिद का नाम था अहमद निज़ाम शाह बहरी। अहमद 3 गुजरे हैं, अहमद शाह अब्दाली और एक और अहमद है, एक अहमद शाह निज़ामी। तो इस अहमद नगर को जिसने 1505 में इसका नाम जो है अहमद नगर रखा। यहाँ अहमद नगर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, हमारे यहाँ पे एक सीना नदी है, आगे स्टेशन है, स्टेशन की तरफ में सीना नदी है, सीना नदी के पास में उसका महल था बहुत बड़ा। जैसे हमारे जाहिद अख्तर को पता है कि मदरसे की 4 दीवारी जैसे है, उससे डबल टिबल एरिया जो है बड़ा है, वहाँ पे उसका पाया तख्त था, वहीं रहता था। तो एक रोज़ अपनी फ़ौज को बुलाया और बुला करके उसने कहा कि ई अहमद नगर अस्त, चूँकि लैंग्वेज जो थी उसकी फारसियन थी, फारसियन लैंग्वेज के हिसाब से उसने बताया कि ई अहमद नगर अस्त, बस वहाँ से इसका नाम अहमद नगर पड़ गया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नगर है। दरमियान में बहुत से हुकूमतों ने इस बात की कोशिश भी की कि इसको अंबिका नगर कर दिया जाए, अंबेडकर नगर कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने अभी तक के इसको महफूज रखा है और बहुत पुराना जो है ये ज़िला है। तो ये चांद सुल्ताना का किला है। चांद सुल्ताना बहुत दिलेर और बहुत बहादुर औरत थी। उसके वालिद ने उसका निकाह जो किया था बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ में, अली आदिल शाह के साथ में उसका निकाह होने के बाद में यहाँ पे कुछ उसके जहेज का सामान भी तैयार किया गया, जिसको जो है मलिक संदल शाह तोप के नाम से याद किया जाता है, जो आज भी बीजापुर के किले के ऊपर रखी हुई है, और वो 55 टन की है, 55 टन की है, और 5 धातु से बनी हुई है, 11 टन सोना, 11 टन चांदी, 11 टन पीतल, 11 टन तांबा और 11 टन लोहा, ऐसे 55 टन की है। यहाँ बनी मलिक संदल नामी जो है ईरानी जो है उसका इंजीनियर था, उसने बनाया। शादी के बाद में उसके जहेज का वो तोप लेकर के यहाँ से जो चले, तो 500 हाथियों ने खींच कर उसको जो है बीजापुर लेकर गए। अब दिलेर इस एतबार से भी थी, वाकई दिलेर थी वो। पहली मर्तबा जब अकबर के लड़के मुराद ने इसके ऊपर हमला किया, तो हमारे यहाँ पे जो है कोठला के नाम से एक मकाम है, वो भी शाही बना हुआ है, तो उस कोठला को जो है उसने ये देखा, उसने दूरबीन में, तो उसको किला नुमा समझ में आया, तो उसने हमला कर दिया। वहाँ की बहुत सारी इमारतें आज भी टूटी फूटी है, जैसी है वैसी आज भी पड़ी हुई है। लेकिन जब उसको पता चला कि ये नहीं है, उन्होंने फौरन अमन का झंडा वगैरह लहराया, आगे बढ़े तो ये किला नज़र आया, तो उसने तोप जो दागा, तो 5 और 6 बुर्ज की दरमियान की दीवार टूट गई, जिसको चांद बीबी ने खड़े रहकर रातों रात जो है बनवा लिया। खैर, मुख्तसर, दुश्मन की फौज जब इसमें दाखिल हो जाती थी, ये जैसा कि हम देख रहे हैं तो सामने के हिस्से में ये कुछ सकलियाँ जंजीरें वगैरह नज़र आ रही है, देखिए इसके ऊपर पहले लकड़ियाँ बिछी हुई थी, इसको यहाँ पे झूलता पुल के नाम से याद करते हैं। तो झूलता पुल, ये इसके ऊपर जब फौज दाखिल हो जाती थी दुश्मन की, तो पूरे खंदक में पानी छोड़ देती थी, और छोड़ने के बाद में जो है करंट छोड़ देती थी, और उसके बाद पुल को जो है पलटी मार देती थी, ये उसका जो है निज़ाम था। एक दूसरी चीज़ ये कि इस किले के अंदर जो है अभी 3 साल कबल जो है यह इसकी सफाई हुई, खंदक की, पूरी खंदक की सफाई हुई, सफाई के दरमियान में एक संदूक मिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक संदूक जो मिली, इस संदूक के अंदर में जो है 2 स्लेट मिली,
पाटी जिसको हम बोलेंगे, और एक पेंसिल छोटी सी मिली। तो जब उसको इस्तेमाल किया गया तो एक पाटी के ऊपर जैसे लिखा कि भाई जाहिद अख्तर मैं 5 बजे पहुंच रहा हूं, तो दूसरी पाटी के ऊपर फौरन वही जुमला लिखा जाता था जिसको आज के दौर में हम मैसेज व्हाट्सएप जो भी कहिए पूरा उसके ऊपर आ जाता था। तो उन्होंने उस स्लेट को यूज़ किया, थोड़ी थोड़ी दूर पे जा कर के 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर करते 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 कम से कम उसको 40 किलोमीटर की रेंज तक के वो स्लेटें काम करती थी। अच्छा। यानी जो भी फौज को आगे बढ़ो पीछे हटो दाएं चलो बाएं चलो जो भी उनका था उसके हिसाब से वो स्लेट के ऊपर लिखते थे, वो फौरन उसके हिसाब से आ जाता था। आखिर ये नतीजा निकला कि वो पेंसिल जो थी इस्तेमाल करते करते पूरी ख़त्म हो गई और हमारे आर्मी ने जो है उसके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं कर पाया। खैर दूसरी चीज़ ये इसके अंदर में अभी खुदाई के दरमियान सफाई के दरमियान में GCB से जो है वो पानी जो इसमें आता था वो काफ़ी अंदर था, GCB के जो है वो हाथ के ज़रिए से वो सफाई में वो कॉक खुल गया तो पूरे खंदक में पानी भर गया। अभी भी निशानात उसके पानी के जो है लगे हुए हैं। और मौजूदा दौर के हिसाब से ये भी मैं बता दूं कि हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी जो है चार दीवारी के अंदर जो है बंद थे, अंदर जेल है, अंदर बंद थे, उसी में रहते थे वगैरह वगैरह। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है ये भी कि उन्होंने यहीं रह कर जेल में गुबार खातिर के नाम से जो किताब हम लोग सुनते हैं पढ़ते भी होंगे, तो वो किताब भी यहीं इसी चार दीवारी में बैठ कर के उन्होंने लिखी। इसकी लंबाई और चौड़ाई किले की जो है कम से कम 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की है। एक रोज़ हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को घर से कुछ मैसेज आया, उन्होंने कहा कि उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं, घर में बाहर आई।